हम किसे ब्लड ग्रुप फादर नेम, ये चीज अलायंस ऑफ इशू और क्या है वहां हमारा फोन नंबर लिखा होगा और थोड़ी एप्लीकेशन लिखी है आरटीओ की और हमारा आरटीओ ऑफिस का वो लिखा होगा कहाँ पे है, जैसे कि मेरा है। What is up guys, welcome back on my YouTube channel। तो यार आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, मेरे लिए तो ज्यादा ही खास है क्योंकि वो दिन आ चुका है जिसका मैं एक महीने से इंतजार कर रहा था, एक महीने से नहीं दो महीने से इंतजार कर रहा था, जिसका मैंने आपसे पूछा भी था कि मैं व्लॉग बनाऊं ड्राइविंग लाइसेंस का। तो उसमें से एक बंदे ने कहा भाई क्यों नहीं बनाओ, वो भी मेरा दोस्त, तुम ही देखते यार दोस्त दास बस उन्होंने तुमने कहा दिया भाई बनाइए, तो मैं ठीक है मैं हो गया बनाना चालू, और बनाना चालू है तुम नहीं बोलते मैं फिर भी बनाता क्योंकि मुझे वीडियो डालनी है। तो अभी है वैसे कल क्या किया, अभी है ना हमारे पास बाइक है दो, एक एफजेड और एक एवेंजर। एवेंजर तो चलने से रही वहाँ टेस्ट के लिए, और एफजेड थोड़ी यार भारी सी है और थोड़ी पुरानी सी है तो उसमें थोड़ा क्लच व्लच ना दिक्कत है। तो अपने भाई के दोस्त से लिए स्कूटी, बोल दिया कि हमें एक दो घंटे का थोड़े टाइम में वापस कर देंगे, वहाँ से आती दे दूंगा। तो अभी हमें जाना है स्कूटी लेने, हम स्कूटी लेके आएंगे घर पे रखेंगे फिर चलेंगे कल सुबह। इसलिए मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है कि कल क्या स्टार्ट करता है यार, तो दिखाना तो फिर पूरा ही दिखाना है ना। तो अभी चलो चलते हैं स्कूटी लेने। वीडियो बहुत सही बनेगी, बड़ी वीडियो, अब बड़ी मैं तो सोचता हूँ कि इन्फॉर्मेशन वीडियो बन जाए। अच्छा यार जो भी बंदे अब मेरी वीडियो देख रहे हैं तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे क्या होता है, क्या मतलब ड्राइविंग का क्या मामला होता है, वहाँ पे दिखाऊंगा वहाँ का एरिया। अगर तुम वजीरपुर से करवाते हो तो तुम्हारा तो बस तो तुम सेट हो, मैं दिखाऊंगा कैसे क्या होता है, मैं दिखाऊंगा। आप है सिर्फ महाजनिक तैयारी, उससे मतलब स्कूटी ले आए क्योंकि स्कूटी बहुत मेन है भाई, बाइक से तो चलने, बाइक तो चलने से रही हमसे, वहाँ स्कूटी चल जाएगी। बनवाया गाड़ी और बाइक का, तो गाड़ी ला रहा है पार्ट्स मेरा कजन भाई बिहार जिगरी भाई, तो मैं मतलब देखा तो होगा कितनी बार देखा है, पीछे आते मैंने पिछली वीडियो में बताया था उसकी का, उसी गाड़ी लेके जाएंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आने से पहले थोड़े जरूरी काम कागजात हम ले लेते हैं यार। एक तो ये बड़ा दुखी करता है, पता जब भी ऐसे जाते हो ना धैर्य ऐसे लगता है पूरा खराब कर देता मामला, फिर मुझे बड़ा तो बड़ा खुश। थोड़ा सा हम अपनी अलमीरा दिखाते हैं, मेरे आप मानोगे क्या बोलते हैं, बंदों के पास अलमीरा होती है बढ़िया बढ़िया दिखाने के लिए कि भाई ये देख मेरी कॉपीज की अलमीरा ये है, और मैं अपनी ना अलमीरा दिखाता हूँ। अलमीरा देखो ये मेरी अलमीरा है, खराब फ्रिज है, इसके अंदर मैं अपनी बुक्स रख देता हूँ यार, कुछ काम तो आती नहीं, कुछ काम तो है नहीं था, खराब पड़ा है क्या बेचे, मैंने सोचा चलो इसमें अपनी बुक्स रख दे, जुगाड़ ऐसा ही होता है यार। चलो निकालू मैं जरा कॉपी कह रहा हूँ, फाइल निकालनी है, इसके अंदर अपने कागज वागज रखेंगे, कागज भी दिखाता हूँ क्या मामला क्या क्या होता है। चलो तुम थोड़ा टाइम लग, देखो मैं थोड़ा ढूंढाने के निकालता हूँ वरना क्योंकि मिल नहीं रहा है। चलो ये तो मिल गया फोल्डर, अब इसमें डालेंगे अपने कागजात वागजात, या अभी थोड़े फोटो कॉपी भी करवानी है एक दो फोटो वोटो, अपने ना फोटो दिखा दो, मैंने वो इस टाइम जब मेरा लर्निंग लाइसेंस बनने वाला था बनना था ना, उस टाइम मैंने वो फोटो खींची थी और वो हमने बर्थडे वाले दिन ही खींची थी, और तुम वो फोटो देख ना तुम कहो भाई तू सेवा पावड़ा सा लग रहा है एकदम गुंडा। खाता हूँ पेपर में क्या मिलता है, थोड़ा ऐसा ही कर लूँ, मतलब वही है कि हमारा एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है, नेम बर्थ ब्लड ग्रुप फादर नेम, ये चीज़ अलायंस ऑफ इशू और क्या है वहाँ हमारा फोन नंबर लिखा होगा और थोड़ी एप्लीकेशन लिखी है आरटीओ की और हमारा आरटीओ ऑफिस का वो लिखा होगा कहाँ पे है, जैसे कि मेरा है वजीरपुर, तो मेरा लिखा हुआ आरटीओ लोकेशन जोनल ऑफिस नॉर्थ वेस्ट वजीरपुर, ठीक है, और क्योंकि पूरा एड्रेस देखा उन्होंने कैसे कैसे देख लो, तो पॉज करके देखो पहले पढ़ लो क्या अच्छे लिखा है। तो मतलब इसमें आठ पेपर होते हैं, ये इसका नाम है फॉर्म 1A, तो इसमें कुछ रूल्स लिखे होते हैं, मैं यार ये फॉर्म मेरे पास कब लर्निंग लाइसेंस के टाइम भी आया था लेकिन उसने कहा था इसमें कोई उसकी वो जरूरत नहीं पड़ती, ये मेड बाय एप्लीकेशन क्वेश्चन, जैसे कि तुम ये पढ़ तुम भी पढ़ सकते हो, ये लो रोक लो पढ़ लो आराम से कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो ये कुछ है मेरा नाम है उसका कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, डज द एप्लीकेंट टू द बेस्ट ऑफ योर जजमेंट सफर फ्रॉम एनी डिफेक्ट ऑफ विजन, नहीं ये मतलब ये आप फॉर्म भर देना है कुछ नहीं है, वो मैं कल ही भरूंगा सुबह, ये मैं ये चीज नहीं है, मैंने उसके लिए रखा हुआ अपना असिस्टेंट जिसके पास हम कल सुबह जाएंगे पार्टी, उसकी बताइए ये है, ये एक और फॉर्म है इसमें लिखा है CMV फॉर्म 1, ठीक है, तो इसमें मेरा नाम है, इसमें भी नाम है, पापा का नाम है, मेरा एड्रेस है,
टेम्परेरी एड्रेस, वो एड्रेस दोनों सेम ही है, बर्थ डेट है, एज है, ठीक है। उसके बाद कुछ क्लिकेशन तुम देख लो, डू यू सफर फ्रॉम एनी एक्सपीरियंस, यार खांसी है यार, खांसी मतलब सफर तो खांसी से हो रही। तीन के बाद आते हैं पांच पेपर, ये पेपर में सब कुछ टिक हो रखा है, ये है फॉर्म टू, इसमें ये सबसे मेन ये जाता है मेन मेरे ख्याल वहां पे उसमें पेपर के ड्राइविंग के टाइम के लिए। इसमें बहुत सारी वो है, पांच पेपर है इसके, सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसमें मेरे बारे में, सारी नेचर ऑफ लर्निंग अथॉरिटी और अनदर पर्सन ऑथराइज इन दिस बिहाफ। यार मुझे पढ़ना भी था ये एक्चुअली, लेकिन उसमें पता चला पापा के कहीं साइन करवाने हो, वैसे थे तो नहीं, पार बता तो रहा था मेरा भाई की है नहीं, फिर भी पढ़ना तो है, पढ़ लू ये भी देखोगे, पेपर दिखाया था मैं, इसमें थोड़ी चीजें लिखी है, मेरा लर्निंग अथॉरिटी वो लिखा है यहाँ पे है, बता दिया वजीरपुर, बाकी थोड़ी सी सर्विस देख लो, हर एक पेज रोक दे, हर एक पेज को पॉज करके देख लेना पढ़ना हो तो जैसे कि मैं तुम्हें बता रहा था, मैं तुम्हें अपनी फोटो दिखाऊंगा, उससे पहले मैं थोड़ी टिकटुक लगा लूं, क्योंकि मेरे पास जो एक पेपर था ना ये वाला, कौन सा फॉर्म A1A, ये वाला पेपर लर्निंग टाइम पे भी था, तो स्कूटी आ गई है हमारे पास, ये स्कूटी, तो चलो स्कूटी ले लिया है। बट इज अब यार गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के पौने, यहाँ तो निकलने का टाइम हो चुका है, मैं उठ चुका हूँ तैयार होकर, भाई ठंड बहुत ज्यादा हो रखी है, बहुत ज्यादा हद से ज्यादा, मैं पूरा पैक हो चुका हूँ। अब ये तुम सोच रही है हाईनेक पहन ली, पिछली बार तो उसको बड़ा वो कह रहा था कि बेकार है, लेकिन यार अब ठंड इतनी हो चुकी है कि मैं क्या बताऊँ। तो चलो अब चलते सीधा भाई घर, वही मिलते हैं। और रे असिस्टेंट साहब क्या हाल है भाई, उसमें वो कर दियो, मैंने पहले पेपर पे टिक कर दिया, बाकी तुझे करना है। अरे वाह, तो गाड़ी मिलेगी चलाने को, क्या बात है, स्नैप पे बनेगी। तो चलो चले। तो यार यहाँ पे पहुंच चुके हैं हम ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट के लिए, बहुत ही जीजा लग रहा है क्योंकि टेस्ट हो रहा है, मतलब यार मैं आया, उन्होंने गाड़ी अंदर ही अंदर लगवा जा रहा, अगली बारी मेरी है, वो देखो वहाँ पे दिख रही होगी, तो ये खड़ी गाड़ी है ना, तो इसके बाद हमारी बारी है, पेपर चेक हो रहे हैं जो कल दिखाए थे, मैंने क्या कर दिया, अब रख ले यार जो भी है ले आया ना, सही किया करे, मेरी नाक निकल रही, अरे भाई मेरी भी निकल रही यार, मतलब इतना मुश्किल हो गया, हमें लगा हमारे सारे पेपर पूरे हैं, काम पेपर पूरे ही नहीं हुए, फिर हम घूमे मतलब कितना है 1.5-2 किलोमीटर घूमे भाई, हाथ ऐसे हो चुके हैं ठंडे, देखो लाल, इसमें भी लाल दिख रहा है, पर देख ये तो क्लैरिटी यार, मेरा फोन इतना बढ़िया है ना, उसके बाद क्लैरिटी यार, हाथ इतने वो हो रहे, मैंने कहा मैं तो नहीं चला रहा, तू ही चला ले भाई, अभी तक ठंडे हैं, ऐसा लग रहा है बस चौपटा पहुंच चुके हैं भाई, बस पहाड़ दिखा दे, बर्फ डाल दे यहाँ पे दिल्ली में, बस बर्फ डाल दो, पहाड़ों की कमी पूरी हो जाएगी, ऊपर से ये और जम रही है यार, दिमाग खराब हो रहा है इससे, इसलिए आए टाइम तो मैंने ठंड हो रही है यार, हाथ जम रखे हैं पूरे, दर्द हो रहा है, लाल हो चुके हैं पूरे हाथ, हिलाए नहीं जा रहे, गाड़ी का चलो ठीक है, बाइक स्कूटी के लिए तो मैं लेके आया हूँ अलग से ग्लव्स, या मैंने स्टार्टिंग में पहने थे लेकिन ना ज्यादा वो हो गए थे, वो उसमें ठंड लग रही थी, मैंने सोचा क्या है ना छोड़ भाई, लेकिन उसके बाद जब मैं घर तक आया ना हालत खराब हो गई पूरी। गाड़ी तो हमने लगा दी, ये दी हमारी गाड़ी आ गई यहाँ से, आगे जाके टेस्ट का है, तो अब यहाँ तो वीडियो बन नहीं पाएगी, बाकी देखते ना, मैंने पार्क को बाहर खड़ा कर रखा और देख लिया बनेगी तो, वरना कोई बात नहीं, मैं वीडियो लेंगे दे दूंगा, नीचे देख लेना कैसा ट्रैक होता है, बाकी आगे देखा अपडेट। A few moments later. तो यार वो टाइम आ गया है, जैसे कि देखो सामने है टेस्ट का ग्राउंड,
और यहाँ पे मेरी हालत थोड़ी टाइट, थोड़ी सी हालत खराब हुए थोड़ी सी, क्योंकि मेरे सामने जितने बंदे थे चार, वो बाहर निकाल दिया क्या, चार बंदे गए थे मेरे से पहले, चार पांच दिन सब पार हो गए, तो मेरे दिमाग खराब हो रहा है पूरा, कैसे करूँ। कोई बात नहीं, हो जाए, मेरा तो हो जाएगा यार, चलानी आती है मुझे, हो जाएगा भगवान करे हो जाए। तो चलो मिलते हैं अब सीधा टेस्ट की बात, यार मैंने बोला था तो अब वो जगह ऐसी है बना नहीं पा रहा है, तो देखते हैं, मैं भी नहीं बना पा रहा क्योंकि मैंने सोचा था लेने के लेकिन ले नहीं पाया हूँ। चलो ठीक है भाई, तो यहाँ पे हो चुका है एक कांड, सब कुछ बढ़िया जा रहा था, बस एक पैरेलल पार्किंग रह गई थी और कुछ नहीं रहा, पैरेलल पार्किंग रह गई, मुझे लगा यार लग गई थी पैरेलल पार्किंग में, उसने फिर पता नहीं क्यों साइड में दरवाजा खुलवा दिया, रह गया एक स्टेज, यार एक स्टेज से रह गया एक से, और पैरेलल पार्किंग सही हुई थी यार, पता नहीं कैसे रह गई, समझ नहीं आई कैसे रह गई। चलो कोई नहीं, बाकी अगली बार ही सही। यार शोर आ रहा हुआ थोड़ा सा, और एक बहुत दुखद खबरी कि हम किसी के पास नहीं हुए यार, हद हो गई यार, पास ही नहीं हुआ यार, हुए पता नहीं क्यों गाड़ी में, अब कम है, मैं घर जाके बताऊंगा कि क्या हुआ था पूरा, कि कैसे कैसे हुआ था भाई, यहाँ पे बहुत शोर आ रहा है, यहाँ पे बता भी नहीं सकता, घर जाके बताऊंगा अच्छे से, ये बता दें यार रह गया है, अगली बार देखेंगे। आ चुका हूँ अभी बज रहे हैं 6:45 हो रहे हैं, तो मैं घर कितने 2:30 बजे तक आ गया था, 2 बजे तक आ गया था, तो मैं बता देता हूँ मेन रीजन था क्योंकि रह गया गाड़ी वाला, बाइक वाले था ठीक है यार, मेरी गलती हुई, वो मेरे से हुआ था, होता क्या है ना कि तुम, अब तुम बाइक चला रहे हो ना वहाँ पे टेस्ट के लिए, तो तुम्हें बाइक में वो क्या कहते हैं कि तुम्हें ना इंडिकेटर देना है साथ में, तो आप ऐसे मुड़ोगे ठीक है हो जाता है, तब एकदम लास्ट में आपको पूरा यू टर्न लेना होता है ना, उसमें मैं इंडिकेटर देना था, तो मेरे से ये हो गया कि मैं ना इंडिकेटर तो दे रहा था लेकिन वो ध्यान इंडिकेटर देने में चला गया, ऐसे मोड़ी ऐसा लगी स्कूटी गिरी और पैर नीचे हर गया, के बाद गाड़ी का था, अब गाड़ी में क्या हुआ, जब गाड़ी में मैं एकदम सही जा रहा था, सब कुछ बढ़िया जा रहा था, चार स्टेज होती है, एक एस बनाना था, फिर एट, फिर पैरेलल पार्किंग, फिर अपहिल, तो हुआ क्या, तो एस मुझे लगा था मैं एस बनाने में ही खत्म हो जाऊंगा, मुझे डर एस का ही था, लेकिन एस बहुत प्यार से हो गया था, वो हुआ तो एट भी बना दिया मैंने, सब कुछ पास होता गया एक एक बारी में, पैरेलल पार्किंग में पता नहीं क्या हुआ, मैंने पैरेलल पार्क करी कार, उन्होंने उसके बाद क्या होता है वहां पे लगे सेंसर गाड़ी के, उसमें जहाँ पे ड्राइवर बैठता है ना उसके भारी गेट पे सेंसर लगा, वहां पे वो लगा देते सेंसर, तो क्या होता है सेंसर के पास जाओ मशीन के पास, वहां वो करते हैं, उसके बाद वो बता, उसके बाद बताते कि आप आगे जाओगे कि नहीं जाओगे, तो 3-2 में तो मेरा हो गया ठीक है एसओ रेट में, अब पैनल पार्क मैं गया, पैनल पार्क करी मैंने, भाई पार्क एकदम सही होगी, लाइन के दोनों लाइन के बीचों बीच हो गई थी, तो मैं फिर सेंसर के पास गया, उसने सीधे दिखा दिया बाहर का रास्ता, इतनी गजब बेइज्जती कर दी यार मेरी, बताओ पता नहीं यार क्यों किया यार, सारा तो सही था, चलो कोई बात नहीं, अब हो गया जो हो गया, चलो ये वीडियो तो बहुत अच्छी बन चुकी, लंबी भी बन चुकी, इससे आगे वीडियो खत्म करते हैं, अगर आपको बढ़िया लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और इस चैनल पर नया था सब्सक्राइब करके जाना, और बेल आइकन भी दबा देना, और सब्सक्राइब बटन को दबा के जाना, उसको लाल से ग्रे करके जाना, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।